जबरिया जोड़ी को लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा आजकल बड़े ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ट्रेंडिंग या यूं कह लें ट्रोलिंग में भी। जी हाँ, अब आप कहेंगे ट्रेंडिंग तो ठीक था, ट्रोलिंग क्यों? तो ट्रोलिंग इसलिए, ये वही सिद्धार्थ मल्होत्रा है जिन्होंने अपनी फिल्म अयारिया के प्रमोशन के दौरान ये कहा था कि भोजपुरी भाषा को सुनकर उन्हें बाथरूम वाली फीलिंग आती है। अब कुछ याद आया आपको? जी हाँ, और अब हम आपको बताते हैं कि जबरिया जोड़ी की स्टोरी क्या है। जबरिया जोड़ी एक बिहार के बाहुबली लड़के की कहानी है, उन लोगों की जबरदस्ती शादी करवाता है जो कि दहेज मांगते हैं, दहेज के नाम पर लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं और उन लड़कों को वो पकड़कर जबरदस्ती शादी करवाता है जो दहेज की भारी डिमांड करते हैं और पेरेंट्स उन्हें दे नहीं सकते। इसके लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा जबरदस्ती लड़कों को पकड़कर ब्याह करा देते हैं। वैसे इसे यूपी बिहार में धरुआ ब्याह भी कहा जाता है। अब आपको इस फिल्म का और सिद्धार्थ मल्होत्रा का पूरा माजरा समझ में आ गया होगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कभी भोजपुरी भाषा की बढ़ चढ़कर इंसल्ट की थी, बाद में वो बात और है कि इसके लिए माफी मांग ली, लेकिन भोजपुरिया दर्शक उन्हें आज तक माफ नहीं कर पाए हैं। तभी तो उनकी इस जबरिया जोड़ी के ट्रेलर पे जम जम कर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है कि कभी तो तुमने कहा था कि भोजपुरी भाषा को सुनकर तुम्हें बाथरूम की फीलिंग आती है और आज उसी भोजपुरी भाषा को लेकर फिल्म बना रहे हो। अब इस पर देखते हैं हमारे भोजपुरिया सुपरस्टार पवन खेसारी, निरहुआ रितेश कल्लू और प्रदीप पांडे चिंटू का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि ये बात तो बहुत बड़ी है कि कभी भोजपुरी भाषा का जमकर इंसल्ट करने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा ने आज भोजपुरी भाषा को लेकर ही फिल्म बनाई है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।